हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शतरूपा। और आज के वीडियो में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक बंगाली हूँ, तो मैंने मोहा अष्टमी के लिए ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। मैंने मेकअप बहुत ही सिंपल रखा है, अगर आप लोग आगे जब वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैंने आई मेकअप थोड़ा हेवी किया है। ये मेकअप लुक आप डे के लिए भी कर सकते हैं और नाइट के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने फॉल्स आईलैश नहीं पहना है, क्योंकि फॉल्स आईलैश में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता है कि कोई फॉल्स आईलैश ये सब लगा के पैंडल हॉपिंग के लिए निकलता है या पूजा करने जाता है। तो मैंने सिर्फ आई मेकअप थोड़ा हेवी किया है, लेकिन बाकी सब कुछ ही सिंपल है। और अगर आप लोग ने मेरा दुर्गा पूजा मेकअप हॉल देखा है, वहाँ पे जितना सारा प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, वही में से जो सब प्रोडक्ट है मैंने वही सब यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ लैक्मी 925 नेचुरल एलो एक्वा जेल। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा है, और अगर आप धूप में निकलोगे तो ज़रूर सनस्क्रीन यूज़ कीजिएगा। अब मैं लिप बाम लगा रही हूँ, मेरा फेवरेट VLCC लवेबल लिप्स चेरी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 8। मेरा शेड है 02। ये बहुत ही लाइट वेट का एक फाउंडेशन है, अच्छा कवरेज देता है। आप रात को भी ये यूज़ कर सकते हैं, सुबह को भी ये यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं या डेली फाउंडेशन उन लोगों को लगाना अच्छा लगता है, तो उन लोगों के लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। इसका खुशबू भी बहुत ही अच्छा है, और मैं इसको अपने हाथों से ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पे। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी रेडियंस कॉम्पैक्ट। मेरा शेड है नेचुरल मार्बल। फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, और आज मैं कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ करूँगी। आज मेरे फेस के लिए कंसीलर नहीं लग रहा था कि लगाने का ज़रूरत है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। अगर आपको लगता है कि कंसीलर लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। लैक्मी आईब्रो पेंसिल से मैं अपने आईब्रोस को अच्छे से फिल अप कर रही हूँ। ये बहुत ही पिगमेंटेड है। मी नाओ के आईब्रो पेंसिल के साथ जो आईब्रो ब्रश आता है, उससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अब मैं पॉन्ड सैंडल रेडियंस टैल्क पाउडर ले रही हूँ। अपने आँखों के नीचे, नाक के ऊपर मैं ये दूंगी, क्योंकि आई शेडो अप्लाई करने से पहले ये देना चाहिए, ताकि फॉल आउट हो भी तो मेकअप ख़राब ना हो। और इस तरह से मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ अपने मेकअप को बेक करने के लिए। अगर आप कॉन्टोर करते हैं तो उस समय अगर आप ऐसे पाउडर लगाते हैं और उसके बाद 4-5 मिनट बाद इसको उठाते हैं, तो आप देखेंगे आपका कॉन्टोर बहुत ही शार्प आएगा और आपका चीक बोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा। मैंने कॉन्टोर नहीं किया है, फिर भी मैंने इस पाउडर को ऐसे अप्लाई किया है। और अभी मैं एक सेलो टेप की हेल्प से ऐसे आँखों के नीचे लगा रही हूँ।
इससे बहुत ही सुंदर आई मेकअप होता है और विंग आईलाइनर भी बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी मैं वेट एंड वाइल्ड का साइलेंट ट्रीटमेंट जो आई शेडो पैलेट मेरे पास है उसमें जो ब्रो बोन शेड है लाइट गोल्डन कलर का, वही शेड में मैं अपने ब्रो बोन एरिया में दे रही हूँ। पहले मैं इस आई शेडो पैलेट से जो ट्रांजिशन कलर है लाइट ब्राउन कलर का उसको मैं अपने क्रीज एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं प्लम नेचर स्टूडियो का जो मेरे पास ब्लैक ब्रिलियंस काजल है उस काजल को मैं अच्छे से मेरे आईलिड एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप कोई भी काजल ले सकते हैं और ऐसे स्मज करते हुए अपने आईलिड एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस आई शेडो पैलेट से जो ब्लैक कलर का आई शेडो है उसको मैं आईलिड एरिया में और आउटर वी एरिया में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आपको ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना है, सिर्फ आईलिड एरिया में अच्छे से अप्लाई करना है। अब मैंने इस तरह का एक फ्लफी ब्रश लिया है और उससे इस ब्लैक आई शेडो को अच्छे से मैं सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे आई मेकअप उतना अच्छा दिखेगा, कोई हार्श लाइन ना दिखे तो आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ ब्लेंड करना है। अब मैंने एक पॉइंटेड ब्रश लिया है, उससे इस आई शेडो पैलेट में जो ब्रो बोन शेड है गोल्डन कलर का उसको मैं मेरे आईज के इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं प्लम नेचर स्टूडियो का मेरे पास जो जेम्स स्टोन ग्रीन कलर का काजल है वो मैं मेरे वाटर लाइन में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं लैक्मी का जो मेरे पास आईलाइनर है उससे एक नॉर्मल आईलाइनर मैं क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेलो टेप को उतार दूँगी, फिर विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे सेलो टेप लगा के विंग आईलाइनर क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है। आप सेलो टेप लगा के भी ये कर सकते हैं। जी
जिन लोगों को विंग आईलाइनर बनाने में प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। अगर आपको विंग आईलाइनर बनाना नहीं आता तो आप पहले कोई आईब्रो पेंसिल से या काजल से थोड़ा सा ड्रॉ कर ले सकते हैं ऐसे, उसके बाद आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब मैं मेरे पास जो वेगा का आईलैश कर्लर है उससे अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा। ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है और ये मेरे आईलैशेस को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है। मैंने जो लूज पाउडर अपने आँखों के नीचे और मेरे जॉ लाइन में मैंने जो लगाया था उसको मैं अच्छे से अब रिमूव कर रही हूँ। अब मैं मेरे पास जो शिवाना का हाइलाइटर है उसमें से गोल्डन कलर का हाइलाइटर लेके मैं अपने फेस को हाइलाइट कर रही हूँ। मिस रोज का जो मेरे पास ब्लशर पैलेट है उसमें से जो ऑरेंज शेड है उसको मैं एज अ ब्लशर आज यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे। चेहरे से थोड़ा सा दूर से मैं स्प्रे कर रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने साड़ी पहन लिया है, ज्वेलरी पहन लिया है और बिंदी भी लगा लिया है। अब बारी है लिपस्टिक की, तो मैं डे टाइम का थोड़ा लुक दिखा रही हूँ इसीलिए मैं ग्लॉसी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। लैक्मी एब्सोल्यूट लिप टिंट क्रीम, मेरा शेड है रेड पाउट।